आपका आंसर हो जाएगा 4.63 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर, ठीक है, 4.63 या 4.6 भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा। उसे दिख रहा है द सेम रोड इज हंग फ्रॉम अ सेकंड वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दिस वायर इज ट्वाइस द लेंथ बट द सेम वॉल्यूम, ठीक है, दिस वायर इज ट्वाइस द लेंथ बट द सेम वॉल्यूम एज द फर्स्ट वायर। State and explain how the extension of the second wire compares with that of the first wire. कहने की एक वायर है, इसी मटेरियल का बना हुआ वायर है, ये हमारा पहला वाला वायर है, और जो दूसरा वाला वायर है उसकी जो लेंथ है वो डबल है, उसकी लेंथ क्या है, डबल है, तो उसकी लेंथ अगर एल है तो उसकी लेंथ 2L है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों वायर से क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है। अब जरा इस बात को समझेंगे किसी भी वायर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। ये एक वायर है, अब इसका वायर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपको लेंथ पता होना चाहिए और आपको इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। तो अगर आप इस वायर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इस वायर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आप इस वायर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ के बराबर होगा। अब एक दूसरा वायर है, ठीक है, ये एक दूसरा वायर है, इसकी लेंथ जो है ना वो 2L है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है ना वो भी किसके बराबर है, इसका वॉल्यूम जो है वो भी पहले वाले वायर के बराबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम पहले वाले वायर के बराबर हो लेकिन इसकी लेंथ डबल हो, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा कि आपको इसकी एरिया को हाफ करना पड़ेगा, कि अगर आप एरिया को हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसको वॉल्यूम भी क्या आएगा, ए इंटू एल आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी वायर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ के बराबर होता है। तो अगर आपने एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया और आप चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम वही रहे जो पहले आया था, तो आपको एरिया को हाफ करना पड़ेगा। अब एरिया को हाफ करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो वही दोबारा से वही वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इनटू लेंथ। तो दूसरे वायर की अगर लेंथ डबल है और उसका वॉल्यूम सेम है तो समझ लेते हैं कि उसका फिर एरिया हाफ होना चाहिए। इफ लेंथ ऑफ सेकेंड वायर इज ट्वाइस, इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर इज ट्वाइस बट सेम वॉल्यूम but same volume, then its area of cross section must be half of first wire and extension। अब जो सेकेंड वायर की एक्सटेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन जो है वो आपकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है एरिया के, ठीक है। तो लिहाजा जो एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, एक्सटेंशन ट्वाइस होगी किस वजह से, लेंथ की वजह से, क्योंकि लेंथ डबल हो गई है तो एक्सटेंशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और एरिया हाफ हो गया और एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है तो एरिया कैसे भी ट्वाइस हो जाएगी। तो जो नई एक्सटेंशन होगी वो बराबर हो जाएगी 4 times of प्रीवियस एक्सटेंशन। तो जो फिर आपकी एक्सटेंशन होगी वो प्रीवियस एक्सटेंशन का 4 times, ठीक है। तो उसमें दो पॉइंट समझने वाले, पहला पॉइंट तो ये है भाई कि अगर दो वायर्स हैं उनका वॉल्यूम सेम है और एक की लेंथ डबल है तो जिसकी लेंथ डबल है उसका एरिया हाफ होगा, क्योंकि लेंथ डबल है और वॉल्यूम सेम है तो एरिया हाफ होना चाहिए। अब अगर दूसरे वायर की लेंथ डबल है तो एक्सटेंशन जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो उसकी वजह से उसकी एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, और अगर उसका एरिया हाफ है तो एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन, तो एरिया हाफ होने की वजह से उसकी एक्सटेंशन जो है वो भी डबल हो जाएगी। तो जब एक्सटेंशन दो दफा डबल होगी तो डबल का डबल क्या होता है, 4 times, तो एक्सटेंशन जो है वो 4 times हो जाएगी। चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए डिफाइन यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, तो यंग मॉडुलस जो होता है सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है।
Can two wires P and Q of the same material and same original length L naught are fixed so that they hang vertically as shown? The diameter of P is D and the diameter of Q is 2D. The same force is applied to the lower end of each spring. Show your working and determine the ratio of stress in P divided by stress in Q. ठीक है, बात यह है कि दोनों वायर्स पर जो स्ट्रेस लगेगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगी. ठीक है, अब फोर्स ऑन पी एंड एरिया ऑफ पी डिवाइड बाय फोर्स ऑन क्यू एंड एरिया ऑफ क्यू. अब देखिए, देखिए चूंकि दोनों का एरिया डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों का डायमीटर डिफरेंट है, पी का डायमीटर डी है, इसका डायमीटर 2d है, लेकिन दोनों पर लोड सेम है, तो दोनों के लोड को मैंने एफ कहा, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया. इसको पलटेंगे तो जाएगा ए क्यू अपॉन ए पी, यानी कि स्ट्रेस इन पी और स्ट्रेस इन क्यू का रेशियो बराबर होगा एरिया ऑफ क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी. एरिया ऑफ क्यू के एरिया ऑफ क्यू क्या होगा, पाई इंटू डी, डी कितना है इसका 2d, डायमीटर की जगह क्या 2d, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये भी हो जाएगा पाई, इसका डी डायमीटर कितना है डी, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4d स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल, और आंसर आ गया. स्ट्रेस इन पी एंड स्ट्रेस इन क्यू का जो रेशियो है वो होगा 4. ठीक है जी, फिर कह रहे हैं स्ट्रेन इन पी और स्ट्रेन इन क्यू का रेशियो क्या होगा. देखिए स्ट्रेन इन पी और स्ट्रेन इन क्यू का रेशियो आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि स्ट्रेन इन पी जो है वो बराबर होगी स्ट्रेस इन पी डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, और स्ट्रेन इन क्यू किसके बराबर होगी, स्ट्रेस इन पी डिवाइड बाय यंग मॉडुलस. सर स्ट्रेस इन क्यू, हाँ स्ट्रेस इन क्यू डिवाइड बाय यंग मॉडुलस. ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन, देखो यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हो जाएगा. ठीक है, अब आप ये चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर आपने स्ट्रेस इन पी और स्ट्रेस इन क्यू का रेशो निकाला था और वो रेशो 4 आया था, मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस इन पी जो है इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस इन पी जो है वो 4 टाइम्स है किसका, स्ट्रेस इन क्यू का, ये मतलब हुआ ना. तो अब आप काम करें कि पहले आप ये रेशो में पुट करें दोनों की वैल्यू, स्ट्रेस इन पी किसके बराबर है, स्ट्रेस इन पी डिवाइड बाय यंग मॉडुलस स्ट्रेन इन पी के बराबर है, एंड स्ट्रेस इन क्यू डिवाइड बाय यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेन इन क्यू के बराबर है. दोनों का यंग मॉडुलस सेम है क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है. ठीक है, टू वायर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का यंग मॉडुलस सेम होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस को कैंसिल करते हैं. अब स्ट्रेस इन पी जो है 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू है, यहां पर लिखे हैं 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन क्यू, स्ट्रेस इन क्यू स्ट्रेस इन क्यू कैंसिल, तो इसका आंसर भी 4 आ जाएगा, इसका आंसर भी 4 आ जाएगा. ठीक है, देख लें, अगर कोई बात वजाहत तलब है, कुछ इस कंफ्यूजन है तो हम उससे मालूम कर सकते हैं. पहले गौर से देखें, आपसे सवाल को देखें, कहीं भी कोई मसला नजर आए तो मुझे बताएं. Thank you.
सर आखिरी वाले पार्ट में क्यों डिवाइड बाय क्यों किया आपने? क्या जी? आखिरी वाले पार्ट में स्ट्रेस स्ट्रेस क्यों को स्ट्रेस क्यों से डिवाइड किया? नहीं, हमने स्ट्रेस इन पी डिवाइड बाय स्ट्रेस इन क्यू किया, लेकिन स्ट्रेस इन पी जो है वो 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू है ना, तो जो स्ट्रेस इन पी थी ना ऊपर, ये जो स्ट्रेस इन पी थी, ये इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू से, तो स्ट्रेस इन क्यू डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4 बचा हमारा। ठीक है सर, चला मेरे पास यंग मॉडुलस आ गया। यंग मॉडुलस वो होता है किसके बराबर? यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। ठीक है, सो यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यंग मॉडुलस आपका हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर कहते हैं द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 एक्सपोनेंट 11 पास्कल, द यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.2 एक्सपोनेंट 11 पास्कल। ठीक है, ये स्टील का यंग मॉडुलस है और ये कॉपर का यंग मॉडुलस है। कह रहे कि स्टील का वायर है और कॉपर का वायर है, उनका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी दोनों का एरिया सेम है, सेम लेंथ है, दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों पे बराबर फोर्स लग रही है, मतलब एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है और फोर्स भी सेम है। यंग मॉडुलस अलग है, ये यंग मॉडुलस स्टील का है और ये यंग मॉडुलस किसका है? कॉपर का। There are use a definition of Young modulus to determine the extension of the copper wire and extension of the steel wire. देखें extension किसके बराबर होती है? Force same है दोनों की, length same है दोनों की, area same है दोनों का और Young modulus किसका आएगा? Copper का. Divide by extension of steel wire. Load same है दोनों का, length same है दोनों की, area same है दोनों का, Young modulus आएगा steel का. FL upon A cancel. इसको पलटेंगे तो देखा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। नाउ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 एक्सपोनेंट 11 पास्कल, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.2 एक्सपोनेंट 11 कैंसिल, तो जाएगा 1.9 डिवाइड बाय 1.2, तो रेशियो आएगा 1. समथिंग का। 1.9 डिवाइड बाय 1.2 कितना आ रहा है भी बताओ? 1.9 डिवाइड बाय 1.2 कितना है जल्दी बताओ? 1.9 अभी ये तो बता दो यार, तुम लोग क्या खुदा का खौफ करो, इसमें भी टाइम लगाते हो। 1.58 ये जाएगा, 1.58 आंसर आप लिखेंगे 1.58, या आप इसको राउंड ऑफ करके 1.6 भी लिख सकते, दोनों सही है। ठीक है, टू वायर्स आर ईच एक्सटेंडेड बाय अ फोर्स, बोथ वायर्स ओबे हुक्स लॉ। ऑन फिगर 3.1 स्केच अ ग्राफ फॉर ईच वायर टू शो द वेरिएशन इन द एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स, लेबल द लाइन फॉर स्टील विद द लेटर एस एंड द लाइन फॉर कॉपर विद द लेटर सी। देखिए फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ जो है स्केच करना है स्टील के लिए और कॉपर के लिए। अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो शो करता है स्प्रिंग कांस्टेंट के को, तो अगर एक वायर का स्केच ऐसे हो रहा है दूसरे का स्केच ऐसे हो रहा है तो ग्रेडियंट इसका ज्यादा है, तो जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा, क्योंकि यंग मॉडुलस किसके बराबर होता था? यंग मॉडुलस बराबर होता था स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ डिवाइड बाय एरिया, तो दोनों वायर की लेंथ भी सेम है एरिया भी सेम है, तो यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? के के, और के डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे। तो अगर आप एक ग्राफ बनाए हैं ज्यादा ग्रेडियंट के साथ लाइक दिस, ठीक है, एक ग्राफ बनाया ज्यादा ग्रेडियंट के साथ और दूसरा ग्राफ बनाया कम ग्रेडियंट के साथ, ठीक है, तो ज्यादा ग्रेडियंट वाला जो ग्राफ है वो कौन सा होगा? स्टील का, एस लिखते हैं यहाँ पर, और जो कम ग्रेडियंट वाला ग्राफ होगा वो किसका होगा? कॉपर का, सी लिखते हैं। ठीक है, तो एस जो है वो ज्यादा ग्रेडियंट वाला ग्राफ है और सी जो है वो कम ग्रेडियंट वाला ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि डिफाइन द टर्म पावर। पावर क्या होती है? पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है या रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाटएवर व्हाट यू वांट टू से। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पावर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क।
उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि यंग मॉडुलस बताएं क्या होता है। यंग मॉडुलस जो होता है बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है, ठीक है। मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। सर ये कह रहा है कि क्रेन इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स एज शोन। एक क्रेन जो हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा रही है। मोटर ऑफ द क्रेन लिफ्ट्स अ टोटल मास ऑफ 1800 किलोग्राम। ये क्या हो गया मास फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड क्या हो गई जीरो ऑन द ग्राउंड। द केबल सपोर्टिंग द मास इज मेड ऑफ स्टील ऑफ यंग मॉडुलस 2.4 एक्सपोनेंट 11। ये क्या हो गया यंग मॉडुलस। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ केबल इज 1.3 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया। एज द मास लीव्स द ग्राउंड द स्ट्रेन इन केबल इज 0.0010। ये क्या हो गया स्ट्रेन। अज्यूम द वेट ऑफ द केबल इज टू बी नेग्लिजिबल। Use the Young modulus of the steel to show that the tension in the cable is this. इनके force ये आनी चाहिए। Tension यानी कि force आप निकालेंगे तो वो ये आनी चाहिए। देखिए ये आ जाएगी आराम से। कैसा है कि वैसा है कि जो Young modulus होता है किसके बराबर होता है? Young modulus बराबर होता है stress upon strain के बराबर होता है। ठीक है? तो यहाँ से stress किसके बराबर होगी? स्ट्रेस बराबर होगी यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेस खुद बराबर होती है फोर्स अपॉन एरिया के, तो फोर्स अपॉन एरिया बराबर होगा यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के। अब यहां से अगर आप फोर्स को यानी कि टेंशन को सब्जेक्ट बनाए तो बराबर होगी यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यंग मॉडुलस आपका कितना है भाई? यंग मॉडुलस जो है वो आपका है माशाल्लाह से 2.4 एक्सपोनेंट 11। स्ट्रेन कितनी है? स्ट्रेन है 0.0010 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.3 एक्सपोनेंट -4। इधर इधर सॉल्व करके बताएं फोर्स कितनी बन रही है, टेंशन कितनी बन रही है। तो जो फोर्स है यानी कि टेंशन है कितनी आ रही है बताएं जरा। अभी खुदा के लिए बता दो कोई क्या आंसर आ रहा है इसका। थ्री वन टू डबल जीरो कुछ ज्यादा आंसर नहीं आ रहे। थ्री वन टू डबल जीरो यानी के 3.12 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो आंसर आने भी चाहिए था क्योंकि 3.1 एक्सपोनेंट 4 हमें चाहिए था आंसर। हमारा आंसर आ गया 3.1 एक्सपोनेंट 4 आ गया, ठीक है, प्रूव हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एज इट इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए मास को जब आप ऊपर उठा रहे हैं तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो मास कितना है? मास है आपका 1800 kg। तो ये आपका 1800 kg का मास है। डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट के बराबर है और वेट किसके बराबर होगा? 1800 kg मल्टीप्लाई बाय 9.81। ऊपर जो फोर्स लगी है इस पर टेंशन लग रही है। टेंशन आपने कितनी निकाली अभी? 3.1 एक्सपोनेंट 4 निकाली, 3.1 टू एक्सपोनेंट 4 न्यूटन निकाली, ठीक है। अब चूंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी डाउनवर्ड फोर्स कम होगी। तो जो एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा टेंशन यानी कि अपवर्ड फोर्स माइनस वेट यानी कि डाउनवर्ड फोर्स डिवाइड बाय मास। टेंशन ऊपर की तरफ कितनी है? 3.12
एक्सपोनेंट 4 न्यूटन, वेट कितना नीचे की तरफ 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81, मास कितना है इसका, माशाल्लाह से मास का माशाल्लाह से 1800, जरा कैलकुलेट करके बताएं इन्फ्लेशन कितना बन रहा है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसको आप सिंपली 7.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोटर नाउ लिफ्ट द मास टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, कैलकुलेट द टेंशन इन द लिफ्टिंग केज। अब देखें मास पर ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रही है, टेंशन, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रही है, वेट, और ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब होता है कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स जो है वो बराबर है। जो टेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, टेंशन बराबर होना चाहिए वेट के। वेट कितना है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये बताएं कितना आ रहा है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81 देखने कितना आ रहा है, 176 आ रहा है या 176.58 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन, आपका हो जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट 4। व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो देखें जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका वो बराबर होता है एम जी एच के। तो वही आपका मास है 1800, जी की वैल्यू है 9.8 और हाइट जो आपने गेन की, कितनी गेन की हाइट आपने गेन की है 15 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे इसको, इतना डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका। यानी कि 2.65 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 2.65 एक्सपोनेंट 5 जूल। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है भाई कि कह रहे द मोटर ऑफ द क्रेन इज 30% एफिशिएंट, कैलकुलेट द इनपुट पावर टू द मोटर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द मास एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.55 मीटर पर सेकंड। अब देखिए मसला सारा ये है कि आपने जो है इसको, आपने इसको ऊपर उठाना है और जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाने में जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन जो आप करेंगे वो बराबर होगा एम जी एच के, और दोनों तरफ डिवाइड बाय टाइम कर दें अगर आप, तो ये आपकी पावर आ जाएगी, कौन सी पावर, आउटपुट पावर, और इसमें से एच अपॉन टी क्या होता है, एच अपॉन टी होता है स्पीड, जाएगा एम जी इंटू वी। ठीक है, ये आपकी आउटपुट पावर होगी, तो आपकी जो आउटपुट पावर है वो है
1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81 प्लस स्पीड आपको दी है 0.55 मीटर्स, ये आपका आउटपुट पावर है। एफिशिएंसी 30% है और आपको इनपुट पावर चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी 30 है, पावर आउटपुट आपकी है 1800 इंटू 9.81 इंटू 0.55 डिवाइड बाय इनपुट पावर चाहिए एंड मल्टीप्लाई बाय। तो अभी जो इनपुट पावर होगी फुल एंड फाइनल जो बराबर होगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 0.55 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30। सो सॉफ्टवेयर को बताएं क्या आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से शाबाश। तमिल से लिखेंगे तो 3.23 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.23 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट। ठीक है जी, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगली वन वर्कशीट नंबर 32 दी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। उधर आगे बात करते हैं। अब देखें कि चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या कराती है। वो कराती है डिटरमिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस। डिटरमिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस का मतलब ये कि अभी तक तो हम यंग मॉड्यूलस को कैलकुलेट कर रहे थे ना, अब इसको हम प्रैक्टिकली यानी कि लैब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके इसको प्रैक्टिकली डिटरमिन करेंगे कि किसी भी मटेरियल का जो है यंग मॉड्यूलस कैसे आएगा, कितना होता है। अब इसको प्रैक्टिकली हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मेटल वायर इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमिन्ड। यानी कि हमें एक मेटल वायर का जो है वो यंग मॉड्यूलस डिटरमिन करना है। अब फर्स्ट करो मेटल का वायर ये फर्स्ट ये मेटल का वायर है बेचारा। ठीक है, ये मेटल का वायर है और आपको जो है इसका यंग मॉड्यूलस नाम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? First of all, the length of wire बोल के काम करें
पहले करें इस वायर को जो है आप हैंग कर दें छत पे से किसी परफेक्ट जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वायर इज हंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, आपने वायर एक जगह पे जो हंग कर लिया है फिक्स सपोर्ट से, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर वायर को कुछ कर करा के फिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, वायर ये फर्स्ट करें फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से वायर आपका हंग हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये करेंगे देन मेजर द लेंथ ऑफ वायर यूजिंग अ मीटर रूल। एक मीटर रूल के जरिए वायर की लेंथ मालूम कर लें, मालूम कर ली। इसके बाद नाउ फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लेकर उसकी आप डायमीटर मालूम कर लें, उसके बाद आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर किसके बराबर होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। फिर आप उस डायमीटर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम कर लें। फिर आप क्या करेंगे, नाउ some weight क्या होना चाहिए, known weight, यानी इस weight आपको पता होगी 5 किलो है 10 किलो है, so now hang some known weight from the wire। वायर पे कुछ वेट हंग कर देंगे आप, तो वायर पे हमने कुछ वेट हंग कर दिया, फर्स्ट ने वेट कितना है W हंग कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेजर द न्यू लेंथ ऑफ वायर टू फाइंड एक्सटेंशन। ठीक है, अब आप वायर की नई लेंथ नापें, उससे आपको एक्सटेंशन पता चल जाएगी, सब कुछ पता चल गया। देयरफॉर यंग मॉड्यूलस से अब किसके बराबर होगा, यंग मॉड्यूलस से बराबर होगा वेट जो आपने हंग किया था, यानी के एफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर जो आपने पहले नापी थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का जो आपने निकाला था, और एक्सटेंशन जो कि आपने आखिर में निकाली है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरह प्रैक्टिकली आप जो है किसी वायर का किसी मेटल के पीस का जो यंग मॉडल्स है वो मालूम कर सकते। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। सर अगर एक्सटेंशन हुई नहीं तो वेट ज्यादा लटकाएंगे, एक्सटेंशन ना होने का मतलब है कि वेट आपने कम लटकाया था, तो वेट ज्यादा लटकाएं फिर आप। नहीं सर, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनका वो एक्सटेंशन की होती नहीं है, जीरो होती है। हां तो बस फिर उसका उसका प्रैक्टिकल उसका नहीं करेंगे, किसी और चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। तो मतलब उस चीज का यंग मॉडुलस मॉडुलस जीरो आ जाएगा।
जीरो नहीं आएगा भाई, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, आपकी नाकामी है ना। सो यंग मॉडल जीरो तो है और सेट मॉडल का बहुत ज्यादा होगा जब आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे। यंग मॉडल तो हर चीज का होता है, अभी आपके ऊपर है कि आप वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो आपको जो मटेरियल दिया जाएगा वो हमेशा ऐसा दिया जाएगा जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर एक मटेरियल को स्ट्रेच करना इतना ही मुश्किल होगा तो फिर लैब में एक्सपेरिमेंट में देंगे क्यों आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे लैब में बोलूं कि आप मुझे एक माइक्रो प्रोसेसर बना के दिखाएं नए आईफोन का, तो आप अपनी कॉलेज की लैब में वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं बना सकते। तो उसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर बनाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, मसला है कि आपकी आपकी जो कैपेसिटी है उससे बढ़कर है चीज। माइक्रो प्रोसेसर तो बन रहे हैं ना दुनिया में, लाखों माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं रोजाना। तो इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेच नहीं हो रहा तो ये तो आपकी कैपेसिटी है ना कि आप नहीं कर पा रहे उसको स्ट्रेच। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यंग मॉडल जीरो होगा। इसको यंग मॉडल होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो फिर आपकी आपके लेवल से ऊपर की चीज होगी। वो किसी भी बहुत ही एडवांस लैब के अंदर जहाँ पे उसको स्ट्रेच किया जा सकता है वहां पे उसका मालूम किया जाएगा यंग मॉडल। लेकिन सर मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि स्ट्रेच नहीं हो सकते तो उनका दुनिया का हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो सकता है। दुनिया कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि स्ट्रेच ना हो सकता। हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो सकता है, बस वो फोर्स के ऊपर है क्या फोर्स कितनी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द यंग मॉडुलस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम मेजरमेंट्स मेड व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड। सो व्हिच क्वांटिटीज वुड बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस नापने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऑप्शन ए में देखें, मास ऑफ स्ट्रेचिंग लोड बिल्कुल चाहिए होता है, ओरिजिनल लेंथ बिल्कुल चाहिए होती है, डायमीटर बिल्कुल चाहिए होता है, एक्सटेंशन बिल्कुल चाहिए होती है, ठीक है। बस ए आंसर है इसका। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर बी सी और डी क्यों नहीं है। बी में कह रहा है मास मालूम कर लो, नई लेंथ यानी फाइनल लेंथ मालूम कर लो, एरिया मालूम कर लो, डायमीटर मालूम कर लो। अब देखें यंग मॉडल्स मालूम करने के लिए हमको चार चीजें चाहिए होती हैं, फोर्स चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है, एरिया चाहिए होता है, एक्सटेंशन चाहिए होती है। जब आप मास मालूम करेंगे तो मास से आपको लोड पता चलेगा, ठीक है। जब आप नई लेंथ मालूम करेंगे तो आपको सिर्फ अभी फाइनल लेंथ पता चली है। क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करेंगे जी आ गया, डायमीटर मालूम करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें एरिया पहले से पता है। तो न्यू लेंथ मालूम करने से ना तो आपको ओरिजिनल लेंथ पता चलेगी ना आपको एक्सटेंशन पता चलेगी, इसलिए हमारी ये रीडिंग्स बेकार है। सी में देखें, अगर आप सी को देखते हैं तो सी में मास ऑफ वायर आपको मालूम करेंगे तो लोड पता चल जाएगा, ओरिजिनल लेंथ मालूम करेंगे तो एल पता चल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करेंगे तो ए पता चल जाएगा, ठीक है। और न्यू लेंथ ऑफ वायर मालूम करेंगे तो एक्सटेंशन पता चल जाएगी। लेकिन आपने ये जो मास मालूम किया ना वायर का मालूम किया है, तो हमें जो मास चाहिए होता है वायर का नहीं चाहिए होता, जो लोड हमने लटकाया उसका मास चाहिए होता, तो उसने आपको ये एफ नहीं पता चलेगा यहाँ पर, इसलिए बेकार है। डी में वही मसला है कि मास ऑफ वायर मालूम करने से कोई फायदा नहीं है, मास है जो मास जो ऑफ लोड मालूम करने से फायदा है, मास ऑफ वायर मालूम करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आंसर होगा। डी में कह रहा है स्टूडेंट मेजर्स द यंग मॉडुलस ऑफ अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, डिस्क्राइब विद एड ऑफ अ डायग्राम द अपैरेटस दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मेजरमेंट। फिर कह रहा है described how the measurement technique, how the measurements taken can be used to determine the young modulus. देखिए जो मैंने आपको procedure लिखा है ना, इस पूरे procedure को आप डिटेल से यहाँ पर जो है लिख देंगे, ठीक है। यानी पहले आप जो है ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इस डायग्राम को यहाँ पर बनाएंगे पहले पार्ट में, और मैंशन करेंगे कि वायर है, वायर को आपने हैंग किया हुआ है फिक्स सपोर्ट से, उस पर एक लोड आपने लटकाया हुआ है वगैरह वगैरह। फिर जो मेजरमेंट्स आप क्या लेंगे, लेंथ नापेंगे वायर की, जो मास आपने हैंग किया है उसका वेट नापेंगे, फिर जब आप वेट को उसका डायमीटर नापेंगे वायर का, ठीक है। इसके अलावा आप जब वेट को हैंग करेंगे तो उसके बाद जो नई लेंथ होगी वो नापेंगे। फिर कह रहे हैं कि इस मेजरमेंट के जरिए यंग मॉडुलस कैसा आएगा, तो यंग मॉडुलस ऐसा आएगा कि पहले आप दोनों लेंथ का डिफरेंस लेंगे तो एक्सटेंशन आएगी, डायमीटर को पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 में पुट करेंगे तो एरिया आएगा, मास को मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे तो वेट आएगा, फिर उसको यंग मॉडुलस के फॉर्म में पुट करेंगे तो यंग मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो ये काम आप ऐसा होमवर्क करें, इसको कंप्लीट करें, कल आप जब लोग आए तो आपकी वर्कबुक्स में जो है ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। मैं आप लोगों का रेंडमली चेक करूंगा किस किसने ये क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व किया प्रॉपर, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 एज वेल। डिफॉर्मेशन का चैप्टर आपका खत्म हुआ, अब आप इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज
सॉल्व करें इससे जो रेलिवेंट जो असाइनमेंट्स है, मेरे ख्याल से असाइनमेंट नंबर इसकी होगी 16 होगी, 16 एंड 17. तो इससे जो रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं वो सॉल्व करें 16 एंड 17, और कल आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ताला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अब देखें या तो कल हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो दिखा दें ऊपर इसकी तस्वीर लेने दें मुझे बनाना. ये मैं पीडीएफ दे देता हूँ ना उसकी आपको, शेयर कर दें आप. इसकी पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ. ठीक है, चलें सही. ओके.